बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कोक स्टूडियो इंडिया का एक ऐसा गाना जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। मैंने तो सुना हुआ है कि और मैंने तो बहुत बहुत बार ये सुना है, लेकिन मैंने मौजूद को सजेस्ट किया था कि मौजूद तुम भी सुनो ये, बट मौजूद ने मेरे कहने में नहीं सुना। और फिर इसको सजेस्ट किया गया किसकी तरफ से? मौजूद वरुण पांडे की तरफ से। और फिर मौजूद ने कहा कि चलो हम ये गाना देखते हैं। मैंने कहा श्योर, क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत पसंद करती हूँ। टाइटल बताएंगे मौजूद, टाइटल है कोक स्टूडियो भारत खलासी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिंक में लोग चैनल का लिंक स्ट्रिंग में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कोक स्टूडियो भारत Subscribe now. Godilo, tame godilo, 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 tame godilo, godilo. Nachi je majama khali vaota da jama evo hatno pravasi godilo. Godilo, tame godilo, 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 tame godilo, godilo. Nachi je majama khali vaota da jama evo hatno pravasi godilo. काटे सी जा तू जा दरिए सी जा तू जा काटे सी जा तू जा गोतिलो तमे गोतिलो गोतिलो काटे सी जा तू जा जा दरिए सी जा तू जा काटे सी जा तू जा गोतिलो तमे गोतिलो गोतिलो खाली बावटा तो जा मैं वो हाट नो प्रवासी गोती लू ये वो पाड़ से खलासी मने कई दो ने मेरा सामने ठिकाना मने दई दो ने ये वो पाड़ से खलासी मने कई दो ने गोती लू तमे गोती लू गोती लू ये वो पाड़ से खलासी मने कई दो ने मेरा सामने ठिकाना मने दई दो ने ये वो पाड़ से खलासी मने कई दो ने गोती लू तमे गोती लू गोती लू के भैया ओ के भैया સલામત હોય પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો. અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની હામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે, કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલી ને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલી ને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડ નો પ્રવાસી એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડ નો પ્રવાસી ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતીલો Yeah.
भाई म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, म्यूजिक के वायरल होने का कोई टाइम नहीं होता। मैं वैसे ये देख रहा था भाई, ये गाना जो है 3 महीने पहले रिलीज हुआ है और अब आकर ये बहुत ज्यादा वायरल जो है वो हो चुका है। वैसे कोक स्टूडियो की अगर बात करें तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ जो है ना ये एक म्यूजिक ब्रांड भी बन चुका हुआ है। जब मैं ये गाना पहली दफा सुना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाइक ये मतलब 3 महीने हो चुके हैं, किस लैंग्वेज में है, नहीं किस लैंग्वेज में है। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये गुजराती है, क्योंकि उसमें कुछ एक वर्ड मुझे बस एक ही समझ आया था, मजामा। तो वहाँ से भी मुझे आइडिया हुआ कि ये गुजराती लैंग्वेज होगी। लेकिन गुजराती लैंग्वेज काफी डिफरेंट है कि आपको मतलब वर्ड्स इतने ज्यादा समझ में नहीं आते। भाई देखिए लैंग्वेज कोई भी हो ना, जब वो प्योर फॉर्म में बोली जाए ना तो काफी ज्यादा डिफरेंट जो है वो हो जाती है। बट मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप जब भी कोई भी डिफरेंट भाषा का सॉन्ग सुनते हो, मतलब स्पेशली अगर हम कहें फोक सॉन्ग सुनते हो, जब उसका एक अलग ही स्वैग होता है, मतलब मॉडर्न म्यूजिक के साथ एक अलग ही मजा आता है। और अभी जैसे जो गाना था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यू नो समंदर के किनारे, मतलब समंदर के बारे में शायद कोई बात जो है वो की जा रही है। अब पानी, क्योंकि पानी भी बीच में उसका जिक्र आता है ना, पानी पहले पता नहीं क्या खलासी का क्या मतलब होता है ये भी मुझे नहीं पता, किसी भी वर्ड का नहीं पता। हमने जो डिस्क्रिप्शन भी इसकी पढ़ी है ना, उसने भी ये लिखा हुआ कि शोर्स ऑफ गुजरात जो है ना, लेकिन ये तो हमने अब पढ़ी है ना। हाँ, लेकिन जब मैंने गाना देखा था ना, तब भी मुझे यही आइडिया होता था कि ना कुछ तो ऐसे समंदर के, जैसे हम लोग को देखते हैं ना मतलब समंदर के किनारे, भाई प्यार मोहब्बत की बातें होंगी ना यार। नहीं, जैसे हम लोग मराठी कल्चर भी देखते हैं ना, लाइक उसमें भी एक वो होता है जो फिशर वाला एक होता है, मुझे उस तरह की कोई वाइब आया करती थी इसको सुन के और देख कर ना। हाँ मे भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर बात हूँ ना तो मेरे तो भाई इसका म्यूजिक जो है ना, खासकर जहाँ पे जो बैकग्राउंड पे लड़कियाँ जो हैं उनकी जहाँ पे वॉइस साथ शामिल होती है ना, मुझे तो वो बहुत अच्छा जो है लगता है। इवन ये मैंने बहुत सारी रील्स पर जो है ना ये सुना था, तब मुझे पता नहीं था चेहरा कि भाई गाना कौन सा है, गाना कौन सा है। फिर एक दफ़ा इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तब तो मैंने नहीं सुना। फिर उसके बाद इंडियन फ्रेंड हैं, उन्होंने सजेस्ट किया, तो फिर जो है मैंने सुन लिया। तो आपको पता चल गया कितना हल्के में लेता है मुझे। सही कह रही है, सारी बातें मान के भी कितना हल्के में मैं लेता हूँ, ऐसे ना किया करें। ओके, और आगे बोलो, तुम ज्यादा बोलो। तो मुझे जो है काफी ज्यादा ना, खासतौर पर फिर वही बात है, हेडफोन में जब आप सुनते हैं ना, आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है ना, म्यूजिक हो जाए या कोई और चीज हो जाए म्यूजिक रिलेटेड, आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है सुनने का। मुझे ऐसा लगता है कोक स्टूडियो आपको काफी डिफरेंट अनुभव देता है म्यूजिक का, कॉम्पोजिशन का और लिरिक्स का। सो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो सॉन्ग सुनने को मिलते हैं ना कोक स्टूडियो में, जो एक फ्लेवर मैं कहूँगी वो कमाल का होता है। वैसे बीच में आके कोक स्टूडियो इंडिया जो है वो म्यूजिक बनाना बंद हो गया था। उसके मुझे रीजन नहीं, काफी अरसा जो है ना नहीं बनाया कोक स्टूडियो इंडिया जो है उन्होंने म्यूजिक, लेकिन अब आकर फिर दोबारा से जो है वो शुरू हुआ है। उससे पहले भी जो है बनाता रहा, तो वो भी गाने जो है वो अच्छे थे, जैसे कि बनु दुनिया दा सचे बादशाह वाहे गुरु जाने अगर याद हो आपको। फिर हमने हुसना सुना था जो, लेकिन वो ब्लॉक हो गया था अगर आपको याद हो, पीयूष मिश्रा जी का। ये वाला आप सॉन्ग सुने, लेकिन हम लोगों ने सुना था ब्लॉक हो गया। हाँ, था, हम लोग इसमें थोड़ा तो क्या नाम लेते हैं, कोक स्टूडियो इंडिया का भी बहुत अच्छा है बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा और हम लोगों ने तो कोई कोक स्टूडियो नहीं सुने कभी भी, है ना मोदी? नहीं, जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान तो हमने सुना हुआ है, ठीक है ना। उसके अच्छा गानों की, इंडियन कोक स्टूडियो गानों की बात कर रही है, वर्ल्ड वाइड बात कर रही है, मतलब पाकिस्तान का ऑब्वियसली मुझे पता है कि पाकिस्तान में कोक स्टूडियो होता है, इंडिया में भी हमें पता है। मैं कह रही हूँ और किन किन कंट्रीज में, काफी अब आकर जो है ना काफी कंट्रीज में जो है ना आपको कोक स्टूडियो देखने को मिलता है। पता नहीं मौजूद मेरी बात जो है वो वाइडर पर्सपेक्टिव से कब नहीं, मैं वही बताने लगा था कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान का तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना, अब क्योंकि हम सुनते नहीं है इतना ज्यादा दूसरे कंट्रीज का म्यूजिक, तो अब दूसरे कंट्रीज में भी कोक स्टूडियो आपको देखने को मिलता है। ओके, सो गाइज आप जरूर बताइएगा कि आपको इस सॉन्ग के बारे में कब पता चला, क्योंकि 3 महीने पहले ये सॉन्ग आउट हुआ था और लेकिन ये अब बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। और किस किस ने रील्स बनाई हैं ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मौजम तो आज बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ हमें याद हमारी वीडियो को चैनल करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।